नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ। कांग्रेस प्रत्याशी अनुभा मुंजारे ने आज प्रेस वार्ता कर कहा कि गौरीशंकर बिसेन आचार संहिता का उल्लंघन कर धनबल और शराब के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं। हमें रोज जानकारियां मिल रही हैं कि गौरी भाऊ के कार्यकर्ता पैसे के लिफाफे और शराब बांट रहे हैं। कल हमने खमरिया में स्वयं इनकी एक गाड़ी पकड़ी जिसमें पैसा वितरित करने वाली डायरी, लिफाफे और शराब भरी थी। और क्या कुछ कहा कांग्रेस नेत्री अनुभा मुंजारे और जिला कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी ने, सुनिए। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल मतदान होना है और जिले के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है और जनता का जो रुझान है वो कांग्रेस के प्रति दिख रहा है, लेकिन इससे डरकर जो भारतीय जनता पार्टी है वो अब दूसरे हथकंडे अपनाने लगी है। वो धन और बाहुबल के नाम पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। अभी 2-3 दिन के अंदर जो घटनाएं हुई हैं उसमें आप लोगों ने देखा, मीडिया के भाइयों ने भी सब देखा है सारी चीजें कि किस तरह से वो सामग्री का उपयोग करके, धन का उपयोग करके चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही कल एक घटना हुई है लालबरा क्षेत्र में, जहां भाभी हमारी प्रत्याशी अनुभा मुंजारे जी स्वयं उपस्थित थी। बात करें, वो कितना भी भगवान श्री राम जी के नारे लगाए लेकिन चुनाव में वो सारी नैतिकता को मतलब एक तरफ करके और पूरे हथकंडे अपनाने पे आमादा रहती है। और हमने पहले भी कहा था, आज आप लोगों के माध्यम से, सम्मानीय प्रेस के माध्यम से मैं फिर इस बात के कहना चाह रही हूँ कि हमारे बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, श्री गौरी शंकर जी बिसेन, वो वर्तमान में भी कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के। और स्पष्ट बात उसी समय हो गई थी जब इतना लंबा समय हो जाने के बाद भी आखिरी 1.5-2 महीने पहले माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने गौरी शंकर बिसेन जी को कैबिनेट मंत्री बनाया, तो तभी समझ में आ रहा था कि अपने पद का दुरुपयोग करेंगे और चुनाव के को मद्देनजर रखकर ही भारतीय जनता पार्टी ने इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया है। पहले तो ये हुए नहीं, अब उसके बाद बिल्कुल स्पष्ट अब हो रहा है कि आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और मुझे लगातार 4-5 दिनों से जानकारी मिल रही है कि शहर के विभिन्न वार्डों में इनके जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं वो सब लिफाफे बांट रहे हैं, जनता को वोट के लिए लुभाने के लिए ये लोग अनैतिक कृत्य कर रहे हैं। शराब बांटना, पैसा बांटना, इस तरह के कृत्य करना ये आचार संहिता का उल्लंघन भी है और एक अनैतिकता की श्रेणी में भी आती है ये बात। और मैं लगातार सुन रही थी और हम नज़र भी रखे हुए थे कि ऐसा हो रहा है तो ये गलत हो रहा है, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए जैसा कि निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं। और हम सब स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं और हम अपने संविधान का सम्मान करते हैं, इसलिए हम सभी चाहते हैं कि स्वतंत्र मतदान हो, निर्भीक तरीके से हमारे मतदाता मतदान करें। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और इनके जो नेता हैं ये स्वतंत्र मतदान नहीं होने देते, बल्कि ये इस तरीके के हथकंडे अपना के चुनाव को प्रभावित करते हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण मैंने अपने लाइफ में, मैं इतने साल से राजनीतिक जीवन में काम कर रही हूँ, कई चुनाव मैंने लड़े हैं, मैंने पहली बार देखा कल रात में जब हम लगभग 1:30 बजे हम अपने दौरे करके कंप्लीट करके हमारी जो जिले की महिला अध्यक्ष हैं श्रीमती लक्ष्मी बघाड़े जी, हम उनको छोड़ने के लिए खमरिया ग्राम गए थे। तो खमरिया ग्राम में जैसे ही हमने उनको छोड़ के थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो बीच रास्ते में एक बोलेरो गाड़ी खड़ी थी और जिसका जो क्रमांक है MP50T0833, तो ये गाड़ी खड़ी हुई थी। तो हमें ऐसा लगा कि इतनी रात को बीच सड़क पे गाड़ी किस तरीके से खड़ी है, तो संदिग्ध परिस्थितियां तो हमें लगी। फिर हम, मेरे साथ 3 गाड़ी में और हमारे पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भाई लोग थे, सबके सब उतरे। तो एक सड़क के किनारे एक घर था, वहाँ से एक आदमी बदहवास सी हालत में वहाँ से दौड़ कर आया और हमने जब देखा, मैंने कांच उतार के देखी तो 3 लोग और वहाँ पर खड़े हुए थे, एक मोबाइल में बात कर रहा था और 2 आपस में बात कर रहे थे और उनके गले में स्पष्ट रूप से हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का कमल का वो लोग मफलर डाले हुए थे। तो वो जैसे ही हमने, हमारे लोगों ने चिल्लाया कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो आप लोग, तो वो 3 लोग तो ऐसे भागे अंधेरे का लाभ उठा के जैसे चोरी करके भाग रहे हैं, चोर भागते हैं। हमारे कार्यकर्ता बहुत दूर तक दौड़े लेकिन उनको पकड़ नहीं पाए। इस बीच वो जो गाड़ी चलाने वाला जो व्यक्ति था वो बदहवास सा आके गाड़ी को उठा के भागने लगा, तो हमारे कार्यकर्ता भाई दौड़े और उसकी गाड़ी को रोकने का काम किया।
तो वो उसकी गाड़ी गड्ढे में थोड़ी सी झुक गई, इस कारण वो भाग नहीं पाया। फिर उतारा उसको, हम लोगों ने पूछताछ की, क्या है भाई, क्यों इतनी रात को क्या कर रहे हो, कुछ बता नहीं रहा था। फिर अपने कार्यकर्ताओं ने उसके पूरे गाड़ी के पल्ले खोले, अंदर देखे, तो मैंने अपनी आंख से देखा, मतलब दंग रह गई। शराब पूरी भरी हुई थी वहाँ पे, शराब की बड़ी बड़ी बॉटलें। मैं तो समझती भी नहीं कि शराब के क्या ब्रांड होते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन सब हमारे भाई लोग बता रहे थे कि रम है, ये विस्की है। अब बताइए, आप सोचिए कि अंग्रेजी शराब, वो भी इतने ऊपर ऊंचे लेवल की अंग्रेजी शराब ग्रामीण अंचलों में बांटी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये कितनी शर्मनाक बात है, शर्म की बात है, घोर मतलब अति कर डाले इन लोगों ने। उसके बाद और हम लोग ने जब जांच पड़ताल की, कॉपी मिली है, किस व्यक्ति के यहाँ कितना पैसा बांटना है, शराब की पता नहीं क्या बोलते हैं, नहीं समझ में आता कि कितना वो ये भेजना है, सब लिखा हुआ था। तो बराबर मैंने जब पढ़ी उसको, किसी में लिखा था 3,000 देना है, किसी के यहाँ लिखा था 55,000 देना है, गांव के नाम, व्यक्ति के नाम बराबर उसमें लिखे हुए थे। फिर मैं, हम लोगों ने तो वो ड्राइवर को पकड़ के रखे, और उसके बाद मैंने तत्काल एसडीओपी को फोन लगाई, हमारे एडिशनल एसपी जो डाबर जी हैं उनको फोन लगाई, सीएसपी मिश्रा जी उनको फोन लगाई।